मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रीन लैंड को रंगीन लैंड बना दूँ। ये तुमने कैसा रब्ता रखा, ना करीब आए ना फासला रखा, हम चले दुश्मन चले, जो हमसे चले वो साइड पे चले। मोहब्बत करने वालों के अजीब रंग होते हैं, कभी डिस्को कभी सादा कभी मलंग होते हैं। अगर यही ग्रीन लाइन और यही ऑरेंज लाइन यहाँ भी चल रही है और तुर्की में भी चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, जर्मनी फ्रांस वगैरह सब जगह में यही चल रही है, तो फ़र्क क्या रह गया, एक जैसी है। लेकिन अब फ़र्क डालने के लिए हमें इस पर आर्ट करना पड़ेगा, और हमारे ट्रक आर्ट से ज़्यादा मौजू इस पर और कोई आर्ट नहीं है। मुल्क में रंगों की कमी नहीं है, ठीक है ना, और हमारे खसूस ट्रक आर्ट की बदौलत पूरे कराची से इस्लामाबाद कश्मीर तक चले जाएँ, आपको ट्रक की सूरत में, अगर आप थर के इलाके में भी आप देखते हैं ट्रक, तो एक मोर नज़र आता है आपको खूबसूरत, और एक हमारा ट्रक नज़र आता है खूबसूरत। अगर आप कश्मीर में भी चले जाएँ, ग्रीनरी के साथ कलरफुल चीज़ आपको क्या नज़र आएगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रक, ठीक है ना। तो अगर इसी तरह अगर हमारी ये ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट की जो चल रही है, ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन जो भी चलेगी, इस्लामाबाद से लेके कराची तक जितनी भी ये ट्रांसपोर्ट हमारी चल रही है, इसमें आम आवाम पहले से रोशनास हो, उसको भी रोशनास कराना ज़रूरी है। आगाही जब तक नहीं आएगी इस आर्ट के बारे में आम पब्लिक में, तब तक ये नहीं उसको हम इंटरनेशनल प्रमोट कर सकते। इंटरनेशनल तो जब प्रमोट होगा, जब बाहर से लोग आएंगे, इसको तस्वीर खींचेंगे फिर लेके जाएंगे। इससे पहले हमारे अपने लोग, जितनी दुनिया की पाकिस्तान की जितनी आवाम है जो सफ़र करती है ग्रीन लैंड में, और जो जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले तो वो इसको अपने अपने मोबाइल से सेल्फियाँ लेके या जैसे भी इसको अपने अपने जब डालेंगे सोशल मीडिया पे, तो ये एकदम से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। मैं सबसे पहले इसके पिलर सारे पेंट करूँगा, पिलर जितने भी आप सुरजानी से नुमाइश तक जितने भी अंडरग्राउंड या बाहर स्टॉप बने हुए उनको पेंट करूँगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे पेंट होगा, जो बसें चल रही हैं फिर उस पर पेंट होगा, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कलरफुल एक डिज़ाइन की सूरत में ये तैयार हो, तब जाके मज़ा आएगा कि ग्रीन लाइन नहीं, ये रंगीन लाइन है। ये तुमने कैसा रब्ता रखा, ना करीब आए ना फासला रखा, ठीक है, हम चले दुश्मन चले, जो हमसे चले वो साइड पे चले, ठीक है। तो इस तरह की शेर व शायरी भी होती है, और मोहब्बत करने वालों के अजीब रंग होते हैं, कभी डिस्को कभी सादा कभी मलंग होते हैं। तो इस तरह की शेर व शायरी भी हम करते रहते हैं। खुदा जैसे ना घबराए ज़ालिम हमारे पास आने से, खुदा भी रूठ जाता है किसी का दिल दुखाने से। तो बहुत से शायर ऐसे होते हैं, बहुत से पढ़े लिखे जो ड्राइवर हजरात होते हैं, क्लीनर हजरात होते हैं, वो फिर मुख्तलिफ जो हमारे कौमी शायर भी हैं उनके भी शेर लिखवाते हैं, और जैसे मिर्ज़ा गालिब के भी कोई भी लिखवा देता है, कोई अहमद फराज साहब के भी लिखवा देता है, कोई अलामा इकबाल साहब के भी लिखवा देता है, तो कोई अपने भी लिख देते हैं। तो इस तरह करके मिल बैठ के भी फासला रखें, वरना प्यार हो जाएगा। तो ये जैसे प्यार तो करम पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है, और इस तरह के भी होते हैं कि दिखने में डोली चलने में गोली, ठीक है ना। तो इस तरह के भी बहुत से शेर मजाकिए भी किसी को पसंद आते हैं, किसी को वो नहीं पसंद आते, लेकिन हम लोग तो लिख देते हैं, पसंद आए ना आए इसका ताल्लुक अगले से नहीं है, हमें जो पसंद आता है हम वो करते हैं काम, और वही लिखते हैं जो हमें पसंद आता है। चाय का ऊपर जोर देना पड़ता है, सिगरेट दो पीनी पड़ती पहले, फिर दो एक कप दो कप चाय, बड़ा कप चाय का पीना पड़ता है, फिर आमद शुरू हो जाती है, ठीक है ना। फिर ब्रश भी बातें करते हैं, फिर कलर भी बातें करते हैं, फिर दीवार भी बात, हर चीज़ बात कर रही होती है, तो फिर आप उसको एक समझ लें कि अलग शक्ल दे सकते हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसके लिए कोशिश की जाएगी कि हमें बात की जाए, कि गवर्नमेंट से बात की जाए कि इस पर भी ट्रक आर्ट, बल्कि रिक्वेस्ट की जाए कि इन पर भी ट्रक आर्ट किया जाए, और इनके स्टॉप पर भी बाकायदा ट्रक आर्ट किया जाए, और वही स्टॉपों के नाम ट्रक आर्ट स्टाइल में लिखे जाएँ, और वहीं के लोग भी इसको जाने पहचानेंगे, और दुनिया के लोग भी इसको इससे मुतासिर होंगे, और दुनिया भर में हमारी ये ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन, भले वो कराची में चल रहे, लाहौर में चले या इस्लामाबाद में चले, इन सबको ट्रक आर्ट होना चाहिए,
और जब ये होंगी तो हमारा आर्ट बहुत ज़्यादा दुनिया भर में नुमाया हो जाएगा और हमारी ग्रीन लाइन और ज़्यादा पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी कि कलरफुल ग्रीन लाइन, कलरफुल मेट्रो, कलरफुल ऑरेंज लाइन। सपोर्ट की तो जाहिर बात है ज़रूरत है, इसके बगैर तो कोई नहीं काम हो सकता। तो ग्रीन लाइन कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट है। और मेरी नज़र खाली कराची की ग्रीन लाइन पर नहीं है, मेरी नज़र लाहौर की ग्रीन लाइन पर भी है। जो मेट्रो चल रही है उसको भी रंगीन लाइन करना है और इस्लामाबाद की भी उसको रंगीन लाइन करना है। जब इस्लामाबाद से कराची तक ये कलरफुल हो जाएंगे ना, तो ये मेट्रो और ग्रीन लाइन ख़त्म हो गई, रंगीन लाइन हो जाएगी, तो ये रंगीन लाइन के नाम से मशहूर हो जाएगी पूरी दुनिया में। ये एक सोच है मेरी, लेकिन इसके लिए ये है कि जारी बात है मैं इतने वसाइल नहीं रखता, ना मैं इतनी कोई पहुँच रखता हूँ कि जो मैं रब्ता करूँ किसी से या किसी से बात करूँ। तो यही आप एक वसीला है मेरे लिए, ज़रिया है कि जो ग्रीन लाइन को हम रंगीन लाइन में तब्दील कर सकते हैं। तो यही इंटरव्यू के ज़रिए मैं बोल सकता हूँ खाली, और इस पर जो सुनने वाला है और जो देखने वाला है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस पर कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के ज़रिए, तो वो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये हमारी ग्रीन लाइन रंगीन लाइन हो जाएगी।